सीएम शिवराज ट्विटर पर एक कविता शेयर करने पर खूब ट्रोल किए जा रहे हैं। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने दावा किया कि पंक्तियां उसकी लिखी हुई हैं, जिसके बाद सीएम और उनकी पत्नी साधना सिंह की ट्विटर पर काफी ट्रोलिंग की गई। आगरा के लाखाखेड़ी गांव में हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मंदिर में दर्शन के लिए निकला था परिवार, टेलर डैम का नाला पार करने के दौरान डूबी नाव। सीएम ने किया 4-4 लाख की सहायता राशि का ऐलान। भोपाल गैस त्रासदी के 36 साल पूरे होने पर आज भोपाल में सभी सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बोडाइट कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। हादसे में कई हजार लोगों की गई थी जान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला। किसान आंदोलन को लेकर कहा, किसानों के साथ छलावा कर रही मोदी सरकार, पीएम गंगाजल की शपथ लेकर बोल रहे हैं झूठ। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। किसान आंदोलन की आड़ में सीए, एनआरसी और दंगा भड़काने वाली ताकतें सक्रिय होने की कही बात। कहा, दंगा उकसाने वाले असामाजिक तत्व इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश में। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। जल्द हो सकती है प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा। पोलिंग बूथ की जानकारी जुटा रहा निर्वाचन आयोग। इंदौर के विवादास्पद धार्मिक नेता कंप्यूटर बाबा के साथियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम ने हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के एक और अवैध निर्माण को जमींदोज करने की कार्रवाई की। पिनाहट पुलिस ने लुटेरी महिलाओं के गैंग का पर्दाफाश किया। लुटेरी महिला गैंग एक महिला ट्रेन लूटकर गाड़ी में सवार होकर आगरा की ओर भाग रही थी, जिसके बाद सूचना पर घेराबंदी कर पुलिस ने महिलाओं को पकड़ा। इंदौर में कचरा बना लोगों की कमाई का जरिया। इंदौर ने बनाया देश का पहला जीरो वेस्ट वार्ड। गंदगी से जूझ रहे शहरों के लिए ये वार्ड बना नई मिसाल। 600 घरों में गीले कचरे से बनाई जा रही खाद, 2.5 रुपए किलो बेच रहे सूखा कचरा। जबलपुर पुलिस ने घातक किस्म की कार्बाइन राइफल का देसी वर्जन तैयार करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से कार्बाइन राइफल बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले औजार, कटर, ग्राइंड भी बरामद किए। सतपुड़ा पावर प्लांट के निरीक्षण के लिए बैतूल पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। पावर हाउस और हॉस्पिटल के टॉयलेट में गंदगी को देख अधिकारियों की लगाई क्लास। गुस्साए मंत्री जी ने टॉयलेट क्लीनर को बुलवाकर खुद टॉयलेट की सफाई की। मंदसौर के गांव बड़ोदिया में रेल के डिब्बे की तरह बनाई गई स्कूल की इमारत। डिब्बे को दिया शिक्षा एक्सप्रेस का नाम, जो मंदसौर के बच्चों के लिए बन रहा है आकर्षण का केंद्र। नगर परिषद तेंदुखेड़ा में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र का सामने बना तालाब अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। प्रशासन की अनदेखी के कारण सूखे की गार पर पहुंचा तेंदुखेड़ा का ये तालाब। गृहमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने सिंगरौली दौरे पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, प्रदेश को जल्द मिल सकती है FIR आपके द्वार सुविधा। जिले के 2 थानों में शुरू की गई इस व्यवस्था, प्रदेशवासी अब अपने घर से ही FIR दर्ज करवा सकेंगे। सीहोर से 3 तलाक मामला आया सामने। बीवी के अपने ससुर पर अश्लीलता का आरोप लगाने को लेकर दिया तलाक। तलाक के बाद घर से निकाला, महिला ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया। डिंडोरी नर्मदा के तटों पर कोरोना महामारी के चलते घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घाटों पर सैलानियों और श्रद्धालुओं की संख्या में कमी से रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं नाव चालक। सरकार से लगाए आर्थिक सहायता की गुहार। इंदौर में शादी के दौरान किया गया कोरोना नियमों का उल्लंघन। लापरवाही बरतते हुए न मास्क का ध्यान रखा गया, न सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। सरकार द्वारा बार बार अपील के बाद भी लोग नहीं कर रहे कोरोना नियमों का पालन। अनूपपुर जिले की तहसील कोतमा के राजस्व कर्मचारियों ने कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन जाकर सौंपा। अधिवक्ता रमेश गुप्ता द्वारा न्यायालय की गरिमा को क्षति पहुंचाने की लाइसेंस रद्द करने की उठाई मांग। गाडरवारा में बन रहे मॉडल सड़क का सपना अब जनता के लिए बना सपना। पिछले 3 सालों से ठप पड़ा है सड़क निर्माण का कार्य। नगरवासियों ने अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। रायसेन में 2 पक्षों में बाबली विवाद को लेकर हुआ पथराव। मामले को शांत करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। मामले में पुलिस ने 17 लोगों को किया गिरफ्तार। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जबलपुर में विद्युत वितरण केंद्र और बरगी बांध स्थित जल विद्युत उत्पादन संयंत्र का किया निरीक्षण। इस अवसर पर पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू भी रहे मौजूद। सिंगरौली जिले में थाना मोरवा की पुलिस ने दिया मानवता का परिचय। बस स्टैंड में ठंड से बेसुध पड़े एक व्यक्ति को न केवल अस्पताल पहुंचाया बल्कि घंटों तक उसकी देखरेख भी की। मोरवा पुलिस के इस कार्य की जमकर हो रही है तारीफ। शाहजहांपुर जिला चिकित्सालय में प्रसूता से मांगे 12,000 रुपए नहीं देने पर डिलीवरी नहीं करने की कही बात। मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज के लिए रिश्वत लेने का लगाया आरोप। कहा, रिश्वत देने पर ही किया जाता है इलाज।
टीकमगढ़ में ओबीसी महासभा और किसानों ने एकजुट होकर कृषि बिल के विरोध में डिप्टी कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कहा कोविड 19 महामारी में किसानों ने ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का किया काम, अब सरकार पूरी करे उनकी मांग। ग्वालियर में 5 फैक्ट्रियों पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की टीम ने की छापेमारी। हिमानी शिवानी फार्म में पशु आहार के नाम पर मिलावट कर खाद्य तेल बनाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मिलावटखोरों के ठिकानों पर किया गया सील।